पीस चैप्टर 11-14 के डिटेल स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और ये चैप्टर एकदम से पिक चैप्टर है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जॉय बॉय। या वेगा पंक इज करंटली रिवीलिंग एवरी सिंगल थिंग अबाउट द वॉइड सेंचुरी, उसको जितना पता है वॉइड सेंचुरी मतलब जॉय बॉय इंक्लूडेड है और पूरी दुनिया को जॉय बॉय के बारे में पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पर वन पीस स्पॉयलर्स दो स्टेज में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली स्पॉयलर्स जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उसके बाद डिटेल स्पॉयलर्स आता है और वन पीस चैप्टर फ्राइडे को आता है और सैटरडे को मेरी वीडियो आती है चैप्टर रिव्यू के ऊपर। तो हियर आई होप यू गाइस आर ओके विद सो मेनी वन पीस वीडियोस एंड थोड़ा मैनेज कर लो बिकॉज हम लोग लास्ट वाले स्टेज पे आ चुके हैं, वन पीस के फाइनल्स आ गए, वन पीस पीक में चल रहा है, मतलब हमेशा ही वन पीस पीक था। बट आई होप यू गाइस आर ओके विद सो मेनी वन पीस वीडियोस बिकॉज एक एक रिवील बहुत ही खतरनाक है तो वीडियो बनाना तो बनता है। चलो अभी स्पॉइलर देख के हम लोग बात करते हैं एंड सैटरडे को मैं पूरे चैप्टर के बारे में खोल के ए टू जेड बातचीत करूंगा। ओके हियर वी गो, द चैप्टर बिगिंस विद मोर रिएक्शंस फ्रॉम पीपल अराउंड द वर्ल्ड। द मरीन्स आर वेरी कंफ्यूज्ड बाय वेगापंक्स रिवीलेशन। अकाइनो अपीयर्स एंग्री एज ऑलवेज। ओके इतना हम लोगों को पता है, पूरी दुनिया के लोग इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे बिकॉज ये रिवील बहुत ही बड़ा रिवील है, बट मरीन्स वाले कंफ्यूज है बिकॉज उन लोग को लग रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो जस्टिस सर्व करते हुए आ रहा है, वो एकदम सही है, मरीन्स आर ऑन द राइट पाथ, इतने टाइम से वो लोग यही सोच रहे थे। बट अभी वेगापंक के ये रिवील के बाद वो लोग सोचने लगे कि भाई हम किस तरफ जाए, इस तरफ या इस तरफ, सही एक्चुअल में कौन है। सो फॉर दैट रीजन मरीन्स वाले एकदम से कंफ्यूज हो चुके हैं। यहाँ पर अकाइनो का रिएक्शन हम लोगों को दिखाया गया कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब हियर आई डाउट कि अकाइनो किसके ऊपर गुस्सा है, वेगापंक के ऊपर गुस्सा है कि उसने इतना कुछ रिवील कर दिया, या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा है कि पूरी दुनिया पानी के नीचे डूबने वाला है और अकाइनो किसके बारे में पता नहीं। बट बॉयज अगेन मैं बोलूंगा अकाइनो से ज्यादा चीज एक्सपेक्ट मत करो, ही इज द वन जिसने हमारे दिल में छेद करके रखा है। ओके आगे वी सी डॉफ्लामिंगो हु डिस्कसेस वेगापंक्स वर्ड्स विद मजेलन एंड सेज दैट दे शुड गो टू अ हायर प्लेस। तो यहाँ पर डॉफ्लामिंगो को बहुत ही टाइम बाद दिखाया गया और यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस किया, जब कोई मेजर न्यूज होता है या फिर खतरनाक इंसिडेंट होती है और उसका न्यूज फैलता है तब भी जाकर डॉफ्लामिंगो का रिएक्शन दिखाया जाता है। हम लोग इजीली बोल सकते डॉफ्लामिंगो इन फ्यूचर फिर से रिलेवेंट होने वाला और वो कुछ करने वाला है इन फ्यूचर, एक बढ़िया पार्ट प्ले कर सकता है। अब वो हमारे साइड में रहेगा या फिर कुछ अलग साइड में चला जाएगा, लाइक ब्लैक बियर्ड पायरेट उसको अप्रोच कर सकता है इन फ्यूचर, बट आई डोंट थिंक डॉफ्लामिंगो ऐसा बंदा है जो किसी के अंडर में रहकर काम करेगा, ना भाई आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। बट अगेन ब्लैक बियर्ड इज द वन जो उसको यहां से स्केप करने में मदद कर सकता है। डॉफी का फ्यूचर यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तुम लोग चाहो तो इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट पे दे सकते हो। बट यहाँ पर डॉफी ने बोल के रखा है उन लोगों को एक हायर प्लेस में जाना चाहिए बिकॉज दुनिया पानी के नीचे डूब रहा है, तो हायर प्लेस फिलहाल कहां पर, ऑफकोर्स मैरिजियस, और वहां पर कौन रहता है, सेलेस्टियल ड्रैगन। क्या ये पॉसिबल है कि लोग वहां पर जा सकते हैं, डिजास्टर के टाइम शेल्टर ले सकता है? आई डोंट इट हैपनिंग बिकॉज वहां पर इमु समा है, तो अगर मेजर फाइट हुआ तो कुछ भी हो सकता है, नो राइट। बट फॉर नाउ हम लोगों को इतना पता चलेगा कि हम लोगों को हायर प्लेस में जाना पड़ेगा बचने के लिए। ओके आगे देयर आर मोर रिएक्शंस फ्रॉम पीपल बिफोर वी रिटर्न टू एगेट वे वी हैव मोर इंपॉर्टेंट रिवीलेशन। ये नॉर्मल है, मैंने बोल के रखा है दुनिया के लोग इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जॉय बॉय। और कहीं ना कहीं ओडा सेंसर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा है बिकॉज वो हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है दिस अनाउंसमेंट गोना हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन द एंटायर वर्ल्ड। लोगों के थॉट्स, उनके ओपिनियंस, उनके एक्शन बहुत कुछ बदलने वाला है, तो बार बार यहाँ पर हम लोग को याद दिला रहा है कि लोग देख रहे हैं। ओके आगे वेगापंक मेक्स अ हाइपोथेसिस सेइंग दैट द सी लेवल विल राइज 1 मीटर ड्यू टू अर्थक्वेक्स प्रूविंग दैट इट इज नॉट समथिंग कॉज्ड बाय अ नेचुरल डिजास्टर। ओके वेगापंक यहाँ पर बोल रहा है सी लेवल 1 मीटर और ऊपर जाने वाला अर्थक्वेक की वजह से, बट ये अर्थक्वेक नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं होने वाला है। सो हियर्स द क्वेश्चन इज, ये अर्थक्वेक एक्चुअल में होगा कैसे, इज इट इमु सामास डूइंग या फिर एनी अदर कैरेक्टर जो पूरी दुनिया को शेक करके रखेगा, फॉर दैट रीजन पानी का लेवल 1 मीटर ऊपर चला जाएगा बिकॉज यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। सो इसके पीछे कोई ना कोई होने वाला है, तो अभी के लिए मेरे को लगता है इट्स वन एंड ओनली इमु सामा जो ऐसा करने वाला है मोस्ट लाइकली। एंड अगेन तुम लोग ये मत भूलो मदर फ्लेम यूज करने के बाद सी लेवल ऑलरेडी 1 मीटर ऊपर चला गया। सो हियर वेगापंक इज सेइंग एक अर्थक्वेक आने वाला जिसे सी लेवल 1 मीटर और ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 2 मीटर वन पीस वर्ल्ड पानी के नीचे ऐसे डूबता जाएगा। भाई मेरे को तो अभी के लिए ये लग रहा है इट्स इमोस डूइंग या फिर हम लोग देख सकते हैं इन फ्यूचर कोई एंशियंट वेपन से कुछ कर सकता है। बाकी तुम लोगों को क्या लग रहा है कैसे होने वाला है, इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट पे जरूर बताना। ओके हम लोग आगे देखते हैं, सैटर्न कंटिन्यूस फॉरवर्ड टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय द डेंडेनमोशी एंड एंटर्स द मदर फ्लेम। वो पहले डेंडेनमोशी की तरफ जा रहा है उसको रोकने के लिए, और अपने स्पॉइलर के अकॉर्डिंग सैटर्न एंटर्स द मदर फ्लेम, वो मदर फ्लेम के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है टू डिस्ट्रॉय द एगेट आइलैंड। नो गॉड, नो गॉड, प्लीज नो, नो,
थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा डिस्परेट हो रहा है, सैटर्न बहुत ही ज्यादा डिस्परेट हो रहा है। अब इसके पीछे बड़ा रीजन तो ऑफकोर्स वेगापंक का अनाउंसमेंट है, बट उससे भी बड़ा रीजन मेरे को लगता है कि सैटर्न नहीं चाहता है कि वेगापंक लूफी के बारे में कुछ रिवील करे। उसके बारे में कुछ रिवील करने से पहले ये बंद करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये पर तुमको पता है, मेरे को पता है लूफी इज अ जॉय बॉय, बट पूरी दुनिया के लोगों को पता नहीं कि लूफी इज अ जॉय बॉय। तो वेगापंक को यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। अगर वेगापंक अपने अनाउंसमेंट में बोल दे लूफी इज अ जॉय बॉय, ही हैज रिटर्न, वो 900 साल बाद वापस आ चुका है, ये सुनने के बाद पूरी दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे भाई। ये न्यूज पूरे वन पीस वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लोड हो जाएगा भाई। तभी के लिए मेरे को ऐसा ही लगता है सैटर्न जो इतना ज्यादा डिस्परेट हो रहा है, बाकी गुरुसे मेंबर्स इतना ज्यादा डिस्परेट है, ऐसा होने के पीछे रीजन कुड बी लूफी, ताकि वेगापंक लूफी को एज अ जॉय बॉय दुनिया के सामने अनाउंस ना करे, या फिर वॉयड सेंचुरी के कुछ सीक्रेट्स रिवील ना कर दे। बिकॉज यहाँ पर गुरुसे मेंबर्स फाइट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा मेरे भाई, वो लोग फोकस कर रहे अनाउंसमेंट को बंद करने के लिए। ओके आगे, द मदर फ्लेम इज ए स्मॉल फ्लेम इनसाइड अ जायंट टैंक सिमिलर टू व्हाट वेगापंक हेड लुक लाइक। तो ये वेगापंक के सर की तरह है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है भाई। कुछ चैप्टर के फोटो वगैरह हमारे सामने लीक नहीं हुआ, तो ये बिना देखे बोलना ये इम्पॉसिबल है। बट ये पर बार बार मदर फिल्म का टॉपिक लाया जा रहा है, इसका मतलब शायद इमू से कनेक्टेड है। हम लोग बहुत ही जल्द शायद इमू को देखने वाला है, बिकॉज इस आइलैंड के अंदर सब लोग है, लूफी, जॉय बॉय, गोरुस है, वेगापंक, सारे के सारे मरीन्स है, हमारा एडमिरल है, बस एक ही चीज मिसिंग है, दैट इज इमूस प्रेजेंस। डोंट टेल मी यहाँ से स्टोरी अनएक्सपेक्टेड टर्न लेने वाले इन फ्यूचर। मुझे सब आउट इंसिडेंट दोबारा रिपीट होते हुए नहीं देखना है भाई। ओके आगे, वेगापंक कंटिन्यूस टॉकिंग अबाउट 900 इयर्स अगो एंड हाउ ही गॉट टू क्लोज टू द सन। टू क्लोज टू द सन, ये हमारे चैप्टर के टाइटल के साथ फाइनली रिलेट हो जाता है, बिकॉज चैप्टर का टाइटल है इकारोस विंग्स, इकारो जो सूरज के बहुत ही ज्यादा नजदीक चला गया था और खुद जल गया था। सो हियर वेगापंक डिस्क्राइब कर रहा है कैसे वो सूरज के बहुत ही ज्यादा नजदीक चला गया था। दैट मींस वेगापंक वाज टू क्लोज टू नो अबाउट अ जॉय बॉयज ओरिजिन, एंड आल्सो फॉर द सेम रीजन वेगापंक अभी मर रहा है। तो इकारोस विंग्स के साथ ऑफ कोर्स वेगापंक का एकदम से रिलेशन मैच हो जाता है। ओडा सेंसेई हमेशा टाइटल बहुत ही बढ़िया देता है। ओके आगे, इमो इन मैरिज यूएस रिएक्ट साइलेंटली। इमू रिएक्ट कर रहा है ब्रो, बस एक ही रिएक्शन बाकी था, दैट वाज इमू। हम लोगों को फाइनली मिल गया, इमू इज वाचिंग एवरी सिंगल थिंग। चल भाई यहाँ पर बस इमू का रिएक्शन बाकी था, ये भी दिखाया गया यहाँ से, तुम लोग समझ रहे हो दिस इज द फाइनल सागा। और यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स को ऐसा दिखा रहा है जैसे कि ओडा सेंसेई कोई सीक्रेट रखना ही नहीं चाहता है। चैप्टर के अंदर जैसे हम लोगों को दिखाया गया इमू साइलेंटली रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस इमू समा कुछ करने वाला है फॉर श्योर। अब हम कैसे स्किप करेंगे ये सोचने वाली बात है भाई। ओके आगे, वेगापंक सेज दैट हिज सेकंड सीन इज दैट ही कंटिन्यूड रिसर्चिंग पोन एक्लिप्स। ये सब लोगों के लिए हम लोगों को पता है वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च करना मना है, और अगर कोई करता है उनके साथ क्या होता है हम लोगों को ऑलरेडी पता है, वो हरा इंसिडेंट राइट। तो वेगापंक ने यहाँ पर पोनीग्लिफ एंड एंशियंट हिस्ट्री के बारे में रिसर्च किया, ये वेगापंक का सेकंड सीन है। देन व्हाट इज द फर्स्ट वन, डू यू हैव एनी आइडिया बॉयज। आगे वेगापंक सेज दैट ही डजंट नो एवरीथिंग दैट हैपेंड, बट ही विल स्टार्ट टेलिंग व्हाट ही नोस। तो वेगापंक को यहाँ पर वॉइड सेंचुरी के बारे में सब कुछ पता नहीं, बट जितना उसको पता है वो उतना कुछ बोलने वाला है। व्हाइल लूफी अटैक्स वल्क्यूरी अगेन यूजिंग गियोफाइव, वेगापंक टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु वाज बोर्न 900 इयर्स अगो इन एन एडवांस किंगडम, ही हैड अ बॉडी दैट स्ट्रेच एंड स्ट्रगल लाइक द सन गॉड निका ऑन एल्बफ। ऑन एल्बफ ब्रो, और इतने यहाँ पर मेंशनड है एडवांस्ड किंगडम, तो मेरे को यहाँ पर लगता है ये किंगडम इतना ही ज्यादा एडवांस्ड हो गया था कि ये एकदम डिसअपीयर हो गया, जस्ट लाइक इकारो स्विंग की इकारो इतना ही ज्यादा सन के करीब चला गया था कि ये एकदम से डिसअपीयर हो गया, ये जल के राख हो गया। तो इट कुड बी रिलेटेड टू दैट एडवांस्ड किंगडम, आगे हम लोगों को पता चलने वाला इन फ्यूचर। आगे हम लोगों को बोला जाता है दैट मैन्स नेम वाज जॉय बॉय, ही वाज द मैन हु टुक टू द सीज एंड द फर्स्ट पायरेट इन हिस्ट्री। यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, विच इज सैड न्यूज, बट यहाँ पर हम लोगों को पता चल गया जॉय बॉय वाज द फर्स्ट एवर पर्सन जो एक पायरेट बना था। तो या हम लोगों को मिल चुका है हमारा फर्स्ट एवर पायरेट, एंड दैट इज नन अदर देन जॉय बॉय हिमसेल्फ, और वी कैन से ही इज द फर्स्ट किंग ऑफ पायरेट। मैं बोलूंगा ये स्पॉयलर्स कुछ ज्यादा ही है भाई, आज के लिए इतना खत्म करो भाई, इतना कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूं मैं। अब बताओ ये सारी चीजें देखने के बाद तुमको नहीं लगता है कि हम एकदम से एंड गेम में आ चुके हैं। जॉय बॉय के बारे में बातचीत चल रही है, ओरिजिन के बारे में बात हो रही है, वहां पर इमू समा को दिखाया जा रहा है, गोरुसे मेंबर्स है, एडमिरल्स है, एक आर्क के अंदर सब लोग है, और पूरी दुनिया के लोगों को पता चल गया अबाउट जॉय बॉय, हिज पावर, हिज ओरिजिन, वो कहां से है, एंड ही इज द वन जो वन पीस वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट एवर पायरेट है पूरे हिस्ट्री में। दैट्स इनफ फॉर टुडे, ओडा सेंसेई कुक 12, मेरा पेट भर गया भाई। बाकी पूरे चैप्टर के ऊपर मैं चाहता हूं तुम लोग अपना ओपिनियन टाइप करो, मैं तुम्हारा ओपिनियन रीड करूंगा। और हां, एक और सवाल, सच्ची सच्ची बताना, आर यू गाइस रियली ओके विद द स्पॉइलर वीडियोस और नॉट, बिकॉज़ दो स्पॉइलर वीडियो आ गई, एक ब्रीफ स्पॉइलर, उसके बाद डिटेल स्पॉइलर। अब चैप्टर आने में 2-3 दिन बाकी, सब पहले स्पॉइलर आ गया तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं भाई, बट ऑन दी अदर साइड को ज्यादा वन पीस के वीडियोस आ रहे, तो भाई आई होप कि
मैनेज कर लोगे तुम लोग। अगर तुम लोगों की स्पॉइलर वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऐसे बनाते रहूंगा एवरी सिंगल वीक, तो बस कमेंट पे टाइप कर देना आई एम ओके विद द स्पॉइलर, ताकि मेरे को पता चल जाए यार। चलो मेरे भाई यही था आज के स्पॉइलर्स, बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और भाई लाइक बटन दबा दो, भाई पैसे नहीं लगता, इट्स फ्री। 9000 लाइक सेम कर रहा और बहुत ज्यादा क्लोज है हम लोग 800,000 सब्सक्राइबर्स के, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।